अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है जो मुझे बहुत जरूरी है लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो जो भी मैं हूं और जैसे भी मैं सोचता हूं वो उस वजह से नहीं है। पता है खुदा हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम खुद वो वजह तो ढूंढे कम से कम, जिसकी वजह से हर परिस्थिति में हम चलते जाएंगे। और अगर हमने वो आगे बढ़ते रहने की वजह ढूंढ ली तो खुदा जानता है कि हम अब काम नहीं चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि अब हम अपना नहीं उस खुदा का काम करने वाले हैं। हर इंसान में वो सब कुछ उसके अंदर ही है जो वो अपने से बाहर चाहता है। वो हिम्मत है हर मुश्किल से लड़के आगे बढ़ने की, वो जोश है इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ने की, वो समझ है अच्छे बुरे में फर्क पता लगाने की, वो लगन है अपने अंदर सोते उस इंसान को जगाने की। एक पूरी सदी या एक दशक या एक साल भी नहीं, अपनी कहानी को एक नई दिशा देने में तो बस, मानोगे नहीं अगर बताया तो, कसम से बस एक मिनट लगता है अपनी पूरी जिंदगी बदलने में, अगर उस एक मिनट को कोई हर रोज मरते दम तक याद रख पाया तो। इम्तिहान, डर, दर्द, दुख, ये सब के ही बाटे में आते हैं, मगर कुछ ही इनसे सही में लड़के जीत भी पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग रुकावटों से, मुश्किलों से डर के भाग जाते हैं, जबकि हकीकत में इन्हीं रुकावटों से और मुश्किलों से हम टकराकर उस नींद से जाग पाते हैं। दर्द से भागकर तो हम कहां तक जा पाएंगे, वो तो भागो तब और ना भागो तब भी पकड़ ही लेगा, इसको तो गले से लगा के रखना पड़ेगा। काबू में हो ये हथियार तो फिर कैसी भी मुश्किल हो तू उसको सुलझा ही लेगा। हम कितनी भी मुश्किल बताएं अपनी जिंदगी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किलों में इस वक्त कोई जी रहा है, मगर वो अपना दुख किसी को बताकर अपनी मुश्किलों को बढ़ा नहीं रहा। वो उसी विष रूपी मुश्किल को अमृत की तरह पी रहा है।